सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष 2024 कैसा रहेगा, क्योंकि हम अंग्रेजी नववर्ष की जो 12 राशियाँ हैं सभी का राशि वाला अपलोड कर रहे हैं। तो 6 राशियों का अपलोड हो चुका है, आज सातवीं राशि के बारे में हम बात करना जा रहे हैं। तुला राशि और तुला लग्न की जो जातक है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है इसी बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता है और शुक्र जो है भोग विलास ऐश्वर्य सुख संपत्ति जातक को मिलने वाले सभी प्रकार के सुखों के स्वामी हैं, यानी कि वो एक चमक धमक के कारक हैं। तो शुक्र महाराज जो है वृषभ तुला राशि के स्वामी हैं, ये मीन में उच्च के और कन्या में नीच के होते हैं। तो तुला राशि ये जातक कैसा रहेगा पूरा वर्ष, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत स्थिति में है और अपने मित्र घरों के साथ हैं, तो आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। और यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है, नीच का है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है बहुत ही सुख कारक हैं। जो जातक को बहुत ही सुख मिलने वाले हैं जीवन के, जैसे शादी ब्याह, स्त्री सुख, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है तो प्रत्येक स्त्री का मिलने वाला सुख भी इसी ग्रह से देखा जाता है। साथ ही बहुत ही सुख सुविधाएं जीवन में होने वाले हैं, तो ये सभी के कारक ग्रह शुक्र ही है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपके सभी काम आसानी से होते हैं और आपको रहने के लिए अच्छा घर, गाड़ी सब आपको प्राप्त होते हैं। मगर आपकी कुंडली में अगर कमज़ोर हैं तो आपके जीवन को नीरस बना देते हैं, आपको सभी प्रकार के सुख साधनों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, जिससे आपका जीवन बड़ा संघर्षमय हो जाता है। तो आज बात तुला राशि तुला लग्न की हो रही है, नववर्ष कैसा रहने वाला है अंग्रेजी नववर्ष जो है। तो शुक्र इस समय जो है दूसरे घर में रहेगा बुध के साथ, शुक्र बुध अच्छे हैं आपके और बुध यहाँ भाग्य का और द्वादश का स्वामी होकर लग्नेश शुक्र के साथ रहेगा। धन आप प्रचुर मात्रा में कमाएंगे और धन जो आपके पास टिकेगा भी, तो इस समय जो है धन का अभाव आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र आपका धनस्थान में रहेगा तो धन तो आपके पास रहेगा ही। साथ ही शुक्र बुध होने से लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होता है जो कि आपकी कुंडली में बन रहा है। इसके साथ ही बुध भाग्य का स्वामी है और शुक्र के साथ हैं, तो भाग्य का पूरा साथ जो है आपको मिलेगा। एक तो आपके लिए गए निर्णय बड़े अच्छे हो गए, दूसरा भाग्य आपका मजबूत रहेगा, आपको पूरा सपोर्ट करेगा भाग्य। और दूसरी बात है कि इस समय भाग्य उन्नति के द्वार आपके खुलेंगे, कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो भाग्य उन्नति आपकी होगी। साथ ही धर्म क्रम में आपको मन लगा रहेगा, दान धर्म दक्षिणा आदि इस तरह के कार्य जो आप करते रहेंगे जो तुला राशि वाले जातक हैं, क्योंकि जब भाग्य परिवर्तन होता है तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं कई दिनों से लंबित हैं, जो कई साल से चले आ रहे हैं, वह सभी कार्य आपके धीरे धीरे हो जाएंगे और भाग्य का पूरा सपोर्ट जो आपको मिलेगा, जिसके कारण आपको सभी सुख सुविधाएं मिलेगी। आपकी नौकरी में चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ना हो, तो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। शनि महाराज इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि जो है पूरे वर्ष ही कुंभ राशि में रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस समय शनि महाराज आपके शिक्षा क्षेत्र में है, तो जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई लिखाई की है उसी क्षेत्र में एक तो आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। दूसरे जो छात्र छात्राएं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं, तो उनके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा अगला वर्ष पढ़ाई लिखाई के लिए। ये शिक्षा से जो जुड़े हुए कार्य आपके वो पूरे हो गए, रिजल्ट अगर आपका आएगा तो अच्छा रहेगा, इसमें उम्मीद है अच्छे, जैसे 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए अच्छा रहेगा रिजल्ट, जो तुला राशि के तुला लग्न के हैं। सट्टे लॉटरी में जो है तुला राशि वालों को इस समय लाभ होगा, जो कहीं शेयर बाज़ार म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें जो है आपको लाभ हो सकता है।
राहु इस समय आपके छठे स्थान मीन राशि में गोचर कर रहा है। राहु का ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, हालांकि थोड़े बहुत रोग शरीर के बढ़ सकते हैं जो थोड़ी बहुत परेशानियों का कारण आपके बन सकते हैं, क्योंकि राहु इस समय आपके शरीर में रोग बढ़ा सकता है, कोई कमर के आसपास आपको दिक्कत हो सकती है या फूड पॉइजन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जैसे पेट में कोई आपको खाने के बाद दिक्कत हो जाए, तो इस तरह की समस्या आपकी थोड़ी बहुत बनी रहेगी। कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी, राहु आपको जो है सफलता जरूर दिलाएगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं छात्राएं, उन्हें सफलता मिलेगी, उनके लिए राहु का ये मीन राशि में गोचर पूरे वर्ष रहेगा, तो ये बहुत अच्छा है। जो तुला राशि के जाते जाते का है उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, साथ ही आपको सफलता मिलेगी। जो सरकारी रिजल्ट आपका आने वाला है या सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा रहेगा। केतु इस समय जो है आपके 12वें स्थान में और केतु आपका कन्या राशि में गोचर कर रहा है, मित्र राशि में है केतु, कन्या राशि में केतु का ये गोचर जो है बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको लाभ होगा कि एक तो आपको जो है यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा, बाहरी क्षेत्र की जो है आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, बाहर जा सकते हैं आप, विदेश की यात्रा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि पूरे वर्ष में कई सारी यात्राएं आपको दिख रही है कि करनी पड़ सकती है। और इस समय गुरु बृहस्पति आपके जो है मेष राशि में गोचर कर रहा है, और मेष राशि में गुरु का यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण जो आपको पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, और जिनकी शादी नहीं हो रही थी ये तुला राशि वाले थे उनकी भी अब शादी का समय आ गया है, रिश्ता भी पक्का होगा, उसके बाद आपकी शादी ब्याह का कार्य हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो है आपके लिए ये समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो शादी ब्याह वाले जातक जातिका है तुला राशि के, तो आपके कहीं शादी का योग बन रहा है, कहीं शादी ब्याह हो सकती है, बात आपकी पक्की होगी और आपका ब्याह हो जाएगा। कैरियर की बात करें आपकी नौकरी की, तो ये समय बड़ा अनुकूल है, नौकरी हो चाहे कैरियर हो, इस समय कुछ आपको मिल सकता है, व्यापार हो चाहे वो आपकी नौकरी हो, तो इस समय आपका समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि पिता से भी आपको लाभ होगा, साथ ही सुख सुविधाओं की जो है वो भी आपको प्राप्त होगी, भौतिक सुख मिलने वाले जो है आपके जीवन के, वे सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। तो ये था तुला राशि वालों का राशिफल जो आज आपने जाना, हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें, और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।